हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अश्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हाय, माय नेम इज आशना। मैं मेकअप और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप और मेरे ऐसे वीडियोज देख पाओ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ, और वो प्रोडक्ट है एनवाई बे का रनवे रेडियंस कॉम्पैक्ट और एनवाई बे का ड्यूई ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन। ये कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप। और पहले इसकी फाउंडेशन के बारे में बात कर लें। ये है एनवाई बे ड्यूई ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन, जिसमें कि ये 229 का है और ये लाइट वेट है, कंफर्टेबल ऑन स्किन है, प्रोवाइड्स फुल कवरेज, नेचुरल ड्यूई फिनिश, और हाँ, ये आपको कवरेज, अच्छा खासा कवरेज दे देता है। इसकी शेल्फ लाइफ है 1021 से लेकर 324 तक, तो 3 साल ये चल जाएगा। और इसमें मेरा शेड है 7 एस्प्रेसो और इसमें 30 ml होता है। तो ये अंदर से कैसा है ये आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी शेड मेंशन होता है पीछे में, और आगे से ऐसा है और ये शेड मेंशन होगा, ठीक है। तो ये देखो अंदर से कैसा है। तो ये पंप वाला नहीं है, तो इसमें आपको इसको खोलना पड़ता है और उसके बाद फिर प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ मैं आप लोगों को ये करके दिखा रही हूँ। देखो ये ऐसे निकलता है और फिर ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। तो ये ऐसा है, इसको ऐसे करके आप निकाल लो, देख सकते हो ये। पर ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप हाथों से ब्लेंड करना चाहते हो तो आप फिंगर्स से भी ब्लेंड कर सकते हो। देखो देखो, और अगर आप ब्लेंडर से ब्लेंड करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है ना, कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया ना। और अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट की। रनवे रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर है ये, और इसमें मेरा शेड है बेज 3, और इसका भी शेल्फ लाइफ आपको 3 साल का मिल जाएगा, 1221 से 1124 तक, और इसका प्राइस है 220। और सब कुछ तो बता दिया। सॉफ्ट फोकस इफेक्ट, हाई कलर पे ऑफ प्ले ऑफ, स्मूथ एंड इवन एप्लीकेशन, मैट फिनिश, और ये है 9 ग्राम। मैंने अपने लास्ट मेकअप वीडियो पे यही दोनों यूज़ किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो जल्दी से जाके देखो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये कुछ ऐसा है अंदर से प्रोडक्ट, और यहाँ भी आपको सब कुछ मेंशन है, ठीक है। आप यहाँ से एक्सपायरी चेक कर सकते हो, अपना शेड चेक कर सकते हो। अगर आपकी ये, हाँ ये थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि ये निकालने में मुझसे फट गया है। तो ये जो है ना, अगर ये आपका खो भी जाता है तो इसमें पीछे में सब कुछ मेंशन है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसा है अंदर से, ऐसे इसको खोलना है और आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा है, देख सकते हो, ठीक है। और इसमें ये मिल जाता है, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आप इससे भी लगाते हो तो इससे भी बहुत अच्छे से लग जाएगा। और ये प्रोडक्ट है, और इसका मिरर आप देख सकते हो, इसका मिरर कितना ह्यूज है, कितना अच्छा है। मतलब आपको बहुत अच्छे से आप इसमें मेकअप कर लोगे, इतना अच्छा इसका मिरर है, आप खुद ही देख सकते हो। है ना, बहुत ही अच्छा मिरर इन्होंने दिया है। तो ये प्रोडक्ट, अभी मैं जो भी प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ वो मैं अपने, अभी जो मैंने मेकअप किया है वो इसी फाउंडेशन और इसी कॉम्पैक्ट को मैंने अप्लाई किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट कर रही हूँ, और ये कितना अच्छा हो गया है ना। बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात होती है अफोर्डेबल कैटेगरी का, मैं अगर आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता तो फिर आपको और ही क्या चाहिए, है कि नहीं। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। अभी आप देखोगे कि मैंने अप्लाई किया है अपने फेस पे तो ये कैसा लग रहा है। और बस तो चलो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर लगा रखा था, प्राइमर मैंने एनवाई बे का ही यूज़ किया था, और आप देख सकते हो कि अब मैं पूरे अच्छे से अपने फेस पे फाउंडेशन लगा लूँगी, आईलिड्स पे भी लगा लूँगी और नेक पे भी लगाया करो, क्योंकि नेक और फेस अलग अलग लगेगा ना तो बहुत ख़राब लगता है इसलिए। और वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ा दी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, तो इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ये पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करी हूँ, और ये कितने ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहा है, देखो आप कितने प्यार से ये ब्लेंड हो रहा है। और हाँ, मैंने एक चीज़ आप लोगों को मेंशन नहीं की थी तो मैं अभी बता देती हूँ, जो चीज़ मुझे फील हुआ है मैं वो बता रही हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा ना लगे, बट मुझे, मैंने यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो फाउंडेशन है ना, ये विंटर्स में ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि मतलब पता नहीं, मैंने इसे यूज़ किया है, मतलब ये समर्स के लिए भी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि समर्स के लिए अच्छा नहीं है, बट समर्स से ज़्यादा अच्छा आपको विंटर्स में जब आप ये फाउंडेशन यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा अपना रिजल्ट देगा, ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे फेस पे फाउंडेशन मिला लिया था, और अब मैं कॉम्पैक यूज़ कर रही हूँ। तो देखो आज मैंने कॉम्पैक लगाया है पर ब्रश का यूज़ नहीं किया है, और फिर भी बेस कितना सही लग रहा है। कंसीलर भी नहीं लगाया है उसके बाद भी, तो आप खुद ही देख सकते हो। तो कॉम्पैक का तो कोई ऐसा सीन नहीं होता है, कॉम्पैक तो आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो, बट फाउंडेशन के लिए मुझे ऐसा फील हुआ इसलिए मैंने बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अपने पूरे फेस पे कॉम्पैक अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, जैसे कि आपको दिख रहा है, नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी, और यहाँ पे मेरा पूरा बेस हो जाता है सेट। बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है, दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए मुझे, आप खुद ही देख सकते हो। कैसा लगा? अच्छा तो लगा ही होगा, चाहे फाउंडेशन चाहे कॉम्पैक्ट, पर मैं तो कहूंगी कि आप लोग ये दोनों ही ले लो। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया प्रोडक्ट, और रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, रिव्यू अच्छा लगा है, तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि फ्यूचर में आप और ऐसे वीडियोज देख पाओ। और हाँ, इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ मेंशन कर दूंगी, तो आप चाहो तो वहां पे से आप परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।